पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट केस डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है, नारकोटिक्स का केस है और इस केस का नाम है एम संपत वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2021। एनडीपीएस एक्ट 1985 को कंसिडर किया गया था क्योंकि नारकोटिक्स का केस है, ड्रग्स का केस है इस वजह से। अब देखो इस केस में होता क्या है, 2009 में पुलिस को एक टिप मिलती है या ऐसे समझिए कि इन्फॉर्मेशन मिलती है, जानकारी मिलती है इस बात की कि रोड से दो व्हीकल क्रॉस करेंगे। वो दो व्हीकल कौन से हैं, एक वैन है और दूसरा ट्रक है। रोड से दो व्हीकल क्रॉस करेंगे और उनको ये पता चलता है कि इन दोनों व्हीकल्स में ड्रग्स है, ठीक है। तो भाई पुलिस उस पर रेड मारती है दोनों व्हीकल पे। तो सबसे पहले जब वैन पे रेड मारती है तो वैन में तीन लोग होते हैं, तीन लोग प्रेजेंट होते हैं और उनकी वैन में 26 किलो गांजा पाया जाता है। कितना, 26 किलो गांजा पाया जाता है। तो ये तो हो गई वैन की बात। जब इनका ट्रायल होता है इन तीनों कोर्ट में तो ट्रायल के बाद इनको अक्विट कर दिया जाता है। ये हो गई वैन की बात। अब बात करते हैं ट्रक की, जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ट्रक में पाए जाते हैं दो लोग, एक ड्राइवर होता है एक हेल्पर होता है। यहाँ पर हेल्पर ही एम संपत है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने अनियंस इसलिए लिख रखा है क्योंकि जब पुलिस पहले सर्च करती है इनके ट्रक में तो उसको सिर्फ प्याज ही मिलते हैं, उसके अलावा कुछ मिलता नहीं है। लेकिन फर्दर सर्चिंग के बाद पता चलता है कि इनके ट्रक में 3300 किलो गांजा था, 3300 किलो गांजा था इसमें, इनके ट्रक में, ठीक है। एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि जब पुलिस रोकती है गाड़ी को या जब रेड मारने जाती है तो ड्राइवर वहां से भागने की कोशिश करता है, हेल्पर वहीं पर खड़ा रहता है लेकिन ड्राइवर वहां से भागने की कोशिश करता है, ठीक है। हालांकि बाद में ड्राइवर को पकड़ लिया जाता है। अब बात करें कि ट्रायल कोर्ट कन्विक्ट करती है ट्रक ड्राइवर को अंडर एनडीपीएस एक्ट, ठीक है। एम संपत को कन्विक्ट किया जाता है, ट्रायल कोर्ट कन्विक्ट करती है एम संपत को अंडर सेक्शन 20B ऑफ एनडीपीएस एक्ट 1985। सेक्शन 20B ऑफ एनडीपीएस एक्ट ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी तरीके का कोई ड्रग्स रखता है, पोजेस करता है या इधर उधर पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट करता है तो उसको कन्विक्ट किया जाएगा, उसको पनिशमेंट होगी। अब मैक्सिमम पनिशमेंट एम संपत को क्या मिली थी, 20 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट और 2 लाख रुपए का फाइन। 20 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट और 2 लाख रुपए का फाइन, ये ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट किया था, ठीक है। अब एम संपत अपील करते हैं हाई कोर्ट में। एम संपत हाई कोर्ट में इसलिए अपील करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता था, मैं सिर्फ एक मामूली सा हेल्पर हूँ, मुझे नहीं पता था कि ट्रक में गांजा ले जाया जा रहा, मुझे सिर्फ इतना ही पता था कि उस ट्रक में सिर्फ प्याज है, मुझे नहीं पता था कि उसमें ड्रग्स वगैरह है। तो इसी वजह से, जैसे अभी मैंने आपको कंटेक्स्ट में एक बात बताई इसके, कि ड्राइवर भागने की कोशिश करता है लेकिन हेल्पर वहीं पर खड़ा रहता है, ठीक है। तो ये सारी बातें जब वो कोर्ट में कहते हैं हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट उनकी सेंटेंस को रिड्यूस कर देता है और फाइन को भी कम कर देता है। तो सेंटेंस 20 साल की थी, 15 साल की कर देता है हाई कोर्ट और 1 लाख रुपए का फाइन, यानी कि 2 लाख रुपए का फाइन था, 1 लाख रुपए का फाइन हो जाता है। तो 15 साल की पनिशमेंट, 15 साल का इम्प्रिजनमेंट और 1 लाख रुपए का फाइन। अब फिर वो पिटिशन फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, यही कहते हुए कि मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी इस बारे में, मैं सिर्फ वहां पर एक हेल्पर की तरह सैलरी बेस्ड पर्सन था मैं वहां पर और मुझे कुछ भी नहीं पता था। अच्छा, एक चीज मैंने यहाँ पर मिस कर दी कि जो ट्रक ड्राइवर था, ये ट्रायल कोर्ट से कन्विक्ट होने के बाद ट्रक ड्राइवर की मौत हो जाती है, ट्रक ड्राइवर की डेथ हो जाती है, ठीक है। हाँ, तो जब ये पिटिशन फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो ये फिर से वही बात कहते हैं कि मैं सिर्फ वहां पर एक मामूली सा हेल्पर था, मुझे कुछ भी नहीं पता था उस बारे में कि ट्रक में ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, मुझे कुछ नहीं पता था, जस्ट अ सैलरी बेस्ड पर्सन, मैं सिर्फ उनके कहने पर वो काम कर रहा था, ठीक है, ड्राइवर के कहने पर। अब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या हेल्प करती है और एम संपत ये भी कहते हैं कि अब मेरा सेंटेंस मुझे रिलीज कर दिया जाए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट रिलीज कर देती है एम संपत को। तो यहां पर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट केस इसलिए बन जाता है, ठीक है। बेंच दो लोगों की बेंच थी, बेंच ऑफ जजेस थे ऑनरेबल मिस बनर्जी एंड कृष्णा मुरारी और इस डेट
जजमेंट का 5th अप्रैल 2021 था। सो ये एक बहुत ही सिंपल सा केस है, येट इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस इज अ लैंडमार्क जजमेंट। हमेशा मैं बोलती हूँ कोई भी लैंडमार्क जजमेंट हो उसमें बेंच ऑफ जजेस और डेट ऑफ जजमेंट याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आप लोगों को ये केस अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।